हेलो गाइस, आई एम पायल एंड वेलकम बैक टू पायल्स ब्यूटी ब्लॉग। हम सभी का पिंपल और रैशेस का प्रॉब्लम रहता ही है, तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें उसके लिए हम बहुत कुछ ट्राई करते हैं, पर आसानी से कुछ होता नहीं है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ एक होम रेमेडी शेयर करूं, जिससे आप बहुत ही आसानी से ये पिंपल और रैशेस का जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो होम रेमेडी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, इसके लिए हमें चार इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। तो वो चार इंग्रेडिएंट्स हैं सैंडलवुड और चंदन, तुलसी लीव्स, क्लोव्स एंड मुल्तानी मिट्टी। तो ये जो चार इंग्रेडिएंट्स है, इसका एक पेस्ट हमें बनाना पड़ेगा और इसको एक फेस पैक की तरह हमें हमारे फेस पे अप्लाई करना होगा। तो कैसे वो कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो हमारा जो भी चार इंग्रेडिएंट्स है वो यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। ये है लौंग और तुलसी का पेस्ट, जो मैंने अच्छे से पेस्ट करके यहाँ पे रखा हुआ है। ये है चंदन। तो यहाँ पे मैंने रेड सैंडल यूज़ किया है, आप चाहो तो वाइट सैंडल भी यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर कोशिश करना कि घर पे ही चंदन को घिस के आप बना लो, क्योंकि मार्केट पे जो पाउडर मिलते हैं चंदन पाउडर, वो आई डोंट नो कि कितना ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है। तो मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगी कि आप बाहर से ख़रीदा हुआ वो पाउडर यूज़ करो, इससे बेटर है कि घर पे ही बना लो। और ये यहाँ पे मैंने मुल्तानी मिट्टी लिया है, और इस ये जो इंग्रेडिएंट्स है इसको मैं अभी एक साथ मिलाऊँगी। तो इस चंदन को इस पे पहले डाल देती हूँ अच्छे से। और अभी मुल्तानी मिट्टी, और अभी मैं ये सब अच्छे से मिला लूंगी। और ये आप इसको अपने फेस पे लगाने से पहले ये ध्यान रखें कि आपका फेस बिल्कुल क्लीन हो, मतलब कोई भी मेकअप या फिर कोई भी केमिकल वाला कोई भी प्रोडक्ट आपके फेस पे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए आपका फेस। ये मैंने यहाँ पे पेस्ट बना लिया है, ऐसे ही एक पेस्ट आपको बनाना है। तो मैंने जो पेस्ट बना के आपको दिखाया था ये वाला, ये अभी मैं अपने फेस पे लगाऊंगी जहाँ पे मेरा पिंपल और रैशेस का प्रॉब्लम है। पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, क्यों पर मेरे फेस पे बहुत सारे पिंपल आए हैं और रैशेस भी आया हुआ है। तो मैं ये वाला लगाऊंगी, और ये वाला पैक आप अगर 2 से 3 बार लगाओगे तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो मैं अभी लगाऊंगी, उसके लिए मैं पहले अपने हेयर को थोड़ा सा अभी मैं मेरे फेस पे जितने भी पिंपल और रैशेस जहाँ जहाँ पे आए हैं उसके ऊपर मैं ये पेस्ट लगा दूँगी। आप चाहो तो पूरे फेस पे भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं जहाँ पे मेरा पिंपल और रैशेस आया हुआ है वहाँ पे ही अप्लाई करूँगी, पूरे फेस पे नहीं करूँगी। और आप ये लगाने से पहले ये ध्यान में रखें कि आपका फेस बिल्कुल क्लीन हो, मतलब आपके फेस पे कोई भी मेकअप या कोई भी केमिकल प्रोडक्ट
नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए आपका फेस, फिर इसको अप्लाई करना। मैंने ज़्यादा ही लगा लिया है, पर मेरा बहुत सारा इस बार रैशेस आया हुआ था फेस पे। पिंपल ज़्यादा नहीं था, एक दो ही पिंपल था, पर रैशेस आ गया था बहुत सारा, पता नहीं क्यों। तो इसलिए मैंने ये अप्लाई कर लिया। अभी मैं वेट करूँगी जब तक कि ये पूरी तरीके से ड्राई ना हो। ये ड्राई होने के बाद मैं नॉर्मल वाटर से क्लीन कर लूँगी इसको, और फिर मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लूँगी फेस पे। और ऐसे ही मैं दो तीन बार अगर इसको यूज़ करूँगी तो मेरा जो भी रैशेस और पिंपल्स है वो सब ठीक हो जाएगा। ये मैं हमेशा यूज़ करती हूँ और हमेशा ये असर करता है। आप भी अगर दो तीन बार यूज़ करोगे तो आपको भी फ़र्क पता चल जाएगा, फिर आपको भी ये पसंद जाएगा आई होप ये होम रेमेडी। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।